नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के पौड़ी की, जहां पर मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान डीएम ने लोगों को मतदान का महत्व भी समझाया। तो पौड़ी में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी ने शिरकत की। इस दौरान नुक्कड़ नाटक की मदद से सभी लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का काम किया गया। वहीं डीएम की तरफ से पौड़ी के कंडोलिया पार्क में आयोजित हुई क्रॉस कंट्री दौड़ में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान डीएम आशीष चौहान ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी लोगों को अपने मत का सही प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने युवा मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की। बता दें कि जांजगीर चांपा में छेरछेरा त्यौहार की धूम देखने को मिली। तो जांजगीर चांपा में धूमधाम से लोक सांस्कृतिक का पर्व छेरछेरा त्यौहार मनाया गया। बता दें कि छेरछेरा त्यौहार के दिन छत्तीसगढ़ में बच्चे और बड़े सभी घर घर जाकर अन्न का दान ग्रहण करते हैं। इस लोक पर्व को छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों में लोग उत्साह से मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान करने से घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। इस मौके पर माई कोटी के धान लारे हेरा हेरा छेर छेरा छेरा पर बच्चे गली मोहल्ले घरों में जाकर छेर छेरा मांगते नजर आए। साल भर के छेरा हम छत्तीसगढ़ के तिहार है और छेरा मानथन और एमा तो लड़का मन सब लोग लड़का बुढ़वा उड़वा सब घर घर जा जाते छेरछेरा कथन का का रोटी पीछा का का रोटी बनाते छेठी है खुदमी है अब बाबू अब तिवरा वन हाजी अब उजार के तो कहाँ के छेठी बदलना लड़का हाँ रोटी पीठा में बनाबे करते और अभी के जमाना में अभी के लड़का मन जब देखा था। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की ही कर लेते हैं, जहां ट्रैफिक नियमों को लेकर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इस दौरान बड़ी कार्रवाई भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की गई है। तो जांजगीर चांपा में ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। उस कड़ी में जांजगीर चांपा पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पुलिस ने 103 प्रेशर हॉर्न मॉडिफाइड साइलेंसर को जब्त किया। बता दें कि मॉडिफाइड साइलेंसरों को अलग अलग शोरूम और चांपा और मद्रास रॉयल इनफील्ड गैरेज से जब्त किया गया। तो वहीं पुलिस की तरफ से लोगों को यातायात के प्रति जागरूक भी किया गया। तो छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी फेलोशिप को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से इंदिरा फेलोशिप अभियान शुरू किया गया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के नेता ने इसकी जानकारी दी। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में इंदिरा फेलोशिप को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें इंदिरा फेलोशिप की प्रभारी मनोरमा पाटेकर ने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। दरअसल आधी आबादी को पूरा हक दिलाने को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। आधी आबादी पूरा हक को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में इंदिरा गांधी फेलोशिप स्कीम चलाई जा रही है। इस दौरान प्रभारी मनोरमा पाटेकर ने बताया कि इंदिरा फेलोशिप का एकमात्र उद्देश्य महिलाओं को उनका हक दिलाना, और उसके लिए उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को एकजुट कर रहे हैं। गाँव गाँव में शक्ति संगठन के जरिए महिलाओं को जोड़ा जा रहा है और महिलाओं के हक के लिए शक्ति संगठन हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि आज देश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं रेपिस्ट का शिकार हो रही हैं। एक और बीजेपी राम राज्य लाने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं, चीता हरण आज भी हो रहे हैं, वहीं रेपिस्ट आज भी खुले में घूम रहे हैं। इंदिरा फेलोशिप का एक ही उद्देश्य है कि देश की हर महिलाओं को उसका पूरा हक मिलना चाहिए। सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महिलाओं पे होने वाले अत्याचार को लेकर के, जिसका 3 एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। IIT BHU रेप केस आपने सुना होगा, उसके बाद आप साक्षी मलिक का भी नाम सुना होगा, जिसने आज कुश्ती संघ से अपना त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद आप बिल्किस बानो को देख सकते हैं, जिन्होंने जिनके रेपिस्ट को बली कर दिया गया। तो इस तरह से जो रेपिस्ट को आप खुलेआम छोड़ रहे हैं,
इसको लेते हुए और इस चीज़ को हम इस मुद्दा को हाईलाइट करते हुए उसकी आवाज़ उठाते हुए आज हर क्षेत्र में इंदिरा फेलोशिप की जो महिलाएं हैं वो इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुद्दाओं को सामने ला रहे हैं और इस पे महिलाओं को न्याय के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जा रहा है। जी जी, ये जो शक्ति क्लब आप देख रहे हैं इंदिरा फेलोशिप जिसका हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे संगठन का है, ये काम ही कर रही है सर आधी आबादी पूरा हक पे। जिस तरह से हमारे देश में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या 50-50% है, उस तरह से महिलाओं को राइट्स नहीं मिला है। 50% का राइट्स जो मिलना चाहिए उनको वो नहीं मिला है। आप सांसद में देखिए, आप उसके बाद विधानसभा में देखिए, आप देखिए महिलाओं की सीट कितनी कम है। तो ये इंदिरा फेलो और शक्ति क्लब इसी पे काम कर रही कि हमें आधी आबादी पूरा हक मिलना चाहिए। सर ये 33% आरक्षण भी किसने दिया है? सर कांग्रेस ने ही दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ही जब उन्होंने देखा महिलाओं की स्थिति को तो उन्होंने ही ये 33% आरक्षण सर जो पंचायत क्षेत्र पे है वहाँ पे दिया गया था। और उसके तो बुलेटिन बात अब उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की कर लेते हैं जहाँ माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। तो फर्रुखाबाद में रामनगरिया माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। डीएम संजय सिंह ने रामनगरिया माघ मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान डीएम संजय सिंह समेत जिले के आलाधिकारी मौजूद रहे, जहां डीएम संजय सिंह ने संतों के साथ हवन पूजन किया। तो वहीं डीएम और एसपी ने गंगा किनारे दीपदान कर गंगा की आरती की। बता दें कि पांचाल घाट के मेला रामनगरिया में बीजेपी विधायक ने भी पूजा अर्चना की। आज श्री रामनगरिया का जो कि पौष पूर्णिमा के रूप में आज स्नान था, पक्ष में आज इसका उद्घाटन हुआ। पहले पूजा हुई है और उसके बाद भव्य आरती हुई है। इसमें हमारे सारे जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम। कितने सर दीपों से दीपदान किया गया और कितने दीपक सजाए गए थे? 51,000 दीपक जलाए गए। तो बुलेटिन के आखिरी में बात उत्तर प्रदेश के महोबा की कर लेते हैं जहां युवक पर जानलेवा हमला किया गया। तो महोबा में गोलीबारी की घटना सामने आई जहां अलीपुरा मोहल्ले में अज्ञात हमलावरों ने व्यापारी अजय कांत सोनी पर जानलेवा हमला किया। अज्ञात हमलावरों ने व्यापारी को गोली मार दी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान सूचना पर पहुंची पनवाड़ी थाना पुलिस ने घायल व्यापारी को स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाकर घटना की जांच शुरू की, जहां डॉक्टरों ने घायल व्यापारी को प्राथमिक उपचार देकर झांसी के लिए रेफर कर दिया। तो वहीं महोबा एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच के लिए पुलिस और सर्विलांस की टीमें गठित की। आज शाम को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना पनवाड़ी में एक मोहल्ला है अलीपुरा, जिसके रहने वाले अजय सोनी ये अपनी दुकान से वापस आ रहे थे और जब ये आ रहे थे तो रास्ते में इनके ऊपर फायर हुआ है जिसमें इनको गोली लगी है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तुरंत ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और इनको उपचार हेतु CHC ले जाया गया, जहां से इन्हें आगे झांसी रेफर किया गया है। हमारी पूरी पुलिस टीम उनके साथ उनको लेके झांसी को रवाना हो चुकी है। मौके पर फील्ड यूनिट, सर्वेलेंस, स्वाट और सभी उच्चाधिकारी सभी मौजूद हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी उचित मुकदमों में उचित। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC स्टार न्यूज़।